हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क के मैन वुमेन एंड चाइल्ड बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको लगातार मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि तीन पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा करती है, तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं हम एक बार। तीन पुरुष, तो पुरुष को हम मेल से इंडिकेट करते हैं। तीन पुरुष क्या है, किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 6 दिन में। कितने दिन में पूरा करते हैं, 6 दिन में। अब ये हमारा जो निकल के आता है, ये आता है निकल के टोटल वर्क, पूरा काम। अब ये आगे कहता है सवाल में, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में करती है। 5 महिलाएं कितने दिन में करती है, 18 दिन में। अब काम क्या है, दोनों बराबर करते हैं, मतलब एक ही काम है, वो काम कंप्लीट कर रहे हैं। मीन्स काम की जो संख्या है, यूनिट है, वो क्या है, बराबर है। इसलिए हमने किसका निशान लगा दिया है, बराबर का। ठीक है, ये जब हमने काम निकाल लिया, उसके बाद हमको इस सवाल को सोल्व करने के लिए फर्दर क्या करना होता है, सबसे पहले एफिशिएंसी निकालनी होगी आपको। एफिशिएंसी निकालने के लिए इसको हम एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, 6 एकम 6, 6 3 18 और 3 से हमारा ये 3 कट गया, 3 एकम 3। तो मेरे सामने निकल के आता है 1M = 5 वुमेन। ये हमारा जो निकल के आता है, ये निकल के आती है हमारी एफिशिएंसी, मींस कार्य क्षमता, कि कितनी कार्य क्षमता है इनकी। अब यहां से जब ये निकलता है कि एक जो आदमी है वो 5 महिलाओं के बराबर है, अब यहां से हम इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं मैन एंड वुमेन की, तो इसको क्रॉसवाइज करेंगे जब 5 एंड 1, ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, एफिशिएंसी। मींस एक व्यक्ति, मतलब एक पुरुष जो है वो एक बार में, एक दिन में कितनी यूनिट काम करता है, 5 यूनिट काम करता है। ठीक है, और जो एक महिला है वो एक दिन में 1 यूनिट काम कर लेती है। ये हमने हमारा क्या निकाल लिया, एफिशिएंसी, यहां से हमने निकाल ली। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको निकालना है टोटल वर्क एक बार। हम सवाल कब सोल्व करेंगे, कितने दिन में, कि जब हमको हमको पता होगा कितना टोटल वर्क हमारे पास है। तो आप किसी भी मान में आप किसी भी संख्या को रख दीजिए, चाहे मैन में वैल्यू रखिए चाहे वुमेन में रखिए, आपका जो टोटल वर्क है वो सेम ही आने वाला है। जैसे मान लीजिए मैं 5 जो मैन की जो एफिशिएंसी है उसको रखता हूं यहाँ, तो 3 मैन की कितनी है, 5 × 6 डेज में करता है, तो हमारे पास कितना काम निकल के आता है, 6×5 = 30, 30 × 90, कितने यूनिट निकल के आती है, टोटल 90 यूनिट। ठीक है, ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें रखूं, तो आप रख के देख लीजिए कि वुमन की कितनी है, 1, तो 5 एकम 5 और 18 × 90, तब भी आपके पास यूनिट कितनी निकल के आएगी, 90 यूनिट ही निकल के आने वाली है। अब सवाल में क्या कह रहा है हमसे कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिन में खत्म कर देंगी, 4 पुरुष। अब आप ही देखिए कि जब एक पुरुष एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, तो 4 पुरुष कितने यूनिट करेंगे एक दिन में, 20 यूनिट कर देंगे। भाई एक आदमी एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो 4 आदमी कितने यूनिट कर देंगे, 20 यूनिट कर देंगे। और 10 महिलाएं, जब एक महिला एक दिन में 1 यूनिट करती है, तो 10 महिलाएं कितने यूनिट करेंगी एक दिन में, 10 यूनिट करेंगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। अब जब दोनों मिल जाएंगे, तो एक दिन में कितनी यूनिट कर रहे होंगे, 30 यूनिट कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है ना, कि जब मैन एक दिन में 20 यूनिट कर देते हैं, 4 मैन और 1 10 वुमेन जो है वो एक दिन में 10 यूनिट कर देती हैं, तो टोटल कितने यूनिट कर देती हैं, 30 यूनिट कंप्लीट होते हैं। अब सवाल कह रहा है कि कितने दिन में काम ये जो है समाप्त हो जाएगा, तो काम समाप्त कितने दिन में होगा, कि जब 90 काम है मेरे पास, 90 यूनिट का कार्य है और उसको मैं कंप्लीट कर रहा है, और पर डे काम कर रहे हैं 30 यूनिट का, 90 यूनिट करनी है और 30 यूनिट पर डे में खत्म कर रहा हूं, तो मेरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये 3 दिन के अंदर काम मेरा ये समाप्त हो जाएगा। इस सवाल को करने के लिए आपके पास बहुत से तरीके हो सकते हैं, पर यदि आप एक ही तरीके को करते हैं सॉल्व करने का, जैसे मैंने आपको भी कराया, अगर आप इस तरीके से सभी सवालों को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको अलग अलग तरीके सीखने की जरूरत इन तरह के सवालों में बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। तो सबसे बेस्ट तरीका और इजी तरीका है एफिशिएंसी निकालकर किसी भी काम को निकालने का, तो जिसको मैंने आपको बताया। ऐसे हम और सवाल करके देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा कि 3 पुरुष 1 काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ये हमारा सवाल है। तो अभी हमने जैसा किया था, वैसे ही हम अब इस बात करेंगे कि 3 पुरुष जो है, 3 पुरुष
तीन पुरुष जो है वो किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देते हैं, 18 डेज के अंदर समाप्त कर देते हैं। अभी कहता है कि जबकि 6 बच्चे भी इसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, इसी काम को है हमने ईश्वर को निशान लगा दिया। तो 6 बच्चे हैं, 6 चिल्ड्रन हैं जो कि कितने दिन में समाप्त करते हैं इस काम को, 18 डेज के अंदर समाप्त कर देते हैं। ये हमने अभी क्या निकाली, संख्या में टोटल वर्क है हमारा, पर हम इसको एफिशिएंसी हमको निकालनी पड़ेगी, टोटल वर्क निकालने के लिए। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 18 से हमारा ये 18 कट जाता है, 3 से कटता है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। आप नहीं भी काटेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर काटने से क्या है कुछ सिंपल छोटी संख्या मिल जाती है जिससे हम सवाल को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इससे हमको क्या पता चला कि एक मैन है जो वो 2 बच्चों के क्या है बराबर काम करता है। इससे हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं इधर हम मैन एंड चिल्ड्रन की, तो क्या निकल के आती है 2 एंड 1। मींस जो मैन है वो एक दिन में कितनी यूनिट करता है 2, और जो चिल्ड्रन है बच्चा है वो एक दिन में कितनी यूनिट करता है 1 यूनिट कर देता है। अब टोटल वर्क निकालने के लिए आप किसी भी मान रख दीजिए, आपका जो टोटल वर्क है आपके सामने निकल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं रखता हूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि मैन की कितनी एफिशिएंसी 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 18। ये मेरे पास क्या निकल के आ गया है, टोटल वर्क हो गया है, टोटल यूनिट निकल के आ गई है। अभी आप इसको फर्दर गुणा मत कीजिए, अगर यहाँ रखना चाहते हैं तो यहाँ भी रख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 18, तो आप देखेंगे 3 दूनी 6, 6 गुणा में 18, तो टोटल वर्क तो हमारा सेम आ रहा है। इसके बाद अब सवाल हमसे क्या कहता है कि 4 पुरुष और 4 बच्चे इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। अब एक पुरुष एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 4 पुरुष कितने यूनिट करेंगे 8 यूनिट। एक बच्चा एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 4 बच्चे कितने करेंगे एक दिन में 4 यूनिट। तो टोटल दोनों जब मिलेंगे तो कितने यूनिट कर रहे होंगे, ये 12 यूनिट काम कंप्लीट कर रहे होंगे एक दिन के अंदर। अब टोटल यूनिट काम है कितना हमारे पास, इतना है, अभी हमने इसको गुणा नहीं किया है, तो जब ये कंप्लीट करेंगे इस काम को तो कितने दिन में करेंगे हमको सवाल निकालना है। तो टोटल यूनिट हमारे पास इतनी है, पर डे हमारा काम कितना यूनिट हो रहा है 12 यूनिट। इसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करना है, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 से 2 गया, 3 3 9, तो 9 डेज क्या होगा हमारा आंसर होने वाला है। तो फ्रेंड नेक्स्ट सवाल है हमारा, 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, और 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगी। ये हमारा सेकंड तरीके का सवाल है, सेकंड टाइप का सवाल है। एक बार सवाल को हम देखते हैं कि 6 पुरुष और 4 महिलाएं, 6 पुरुष और 4 महिलाएं, ठीक है, अभी कह रहा है दोनों मिलकर, और लगा रखा है मतलब दोनों मिलकर, तो ये दोनों जब मिलते हैं तो ये कितने दिन में काम खत्म कर देते हैं, 12 डेज के अंदर काम को खत्म कर देते हैं। फिर इसने कहा है कि 14 पुरुष, ओनली 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं, ओनली 14 पुरुष है जो मेल है वो कितने दिन में समाप्त कर देते हैं 12 दिन में। ये हमको सवाल में अभी हमसे कहा गया है, इसके बाद हमको फर्दर इसको सॉल्व करते हैं एक बार, तो 12 से हमारा ये 12 सीधा सीधा कट गया। इसके बाद हमारे पास क्या निकल जाती है इक्वेशन, 6m + 4w = 14m, ठीक है। इसके बाद हम रेशियो सिंपली निकाल लेते हैं, तो 4w = 6m जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 14 + 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, तो 8m बचा हमारे पास। इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं एक बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हमारे पास निकल के आता है कि एक जो वुमेन है वो 2 मेल्स के बराबर है। अब यहां से एक बार रेशियो निकालते हैं वुमेन वर्सेज मैन का, तो हमारे सामने क्या निकल के आता है 2:1, मींस वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो 2 है और मेल की एफिशिएंसी क्या है 1 है पर डे काम करने की। अब यहां से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, किसी में भी आप मान रख दीजिए आपका आंसर सेम आएगा। जैसे मान लीजिए मैन का इसमें रखता हूं मैं, तो 14 एकम 14, 14 दूना 12, ये हमारा क्या है टोटल वर्क हमने निकाल लिया। आप यहां भी रख के देख लीजिए, चाहे अगर मान लीजिए लग रहा है कि बड़ा है तो रख के देखिए कि मैन की संख्या कितनी है 1, तो 6 एकम 6 कितना आएगा मेरा 6 प्लस, यहां आएगा वुमेन है 2, तो 4 दूनी 8, तो कितना हुआ ये 8 + 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 12, तो टोटल वर्क मेरा क्या निकल के आया सेम ही निकल के आने वाला है, ठीक है। इसके बाद सिर्फ क्या पूछ रहा है कि 4 महिलाएं कितने दिन में काम खत्म करेंगी, तो एक महिला करती है एक दिन में 2 यूनिट, तो 4 महिलाएं कितने यूनिट करेंगी पर डे 8 यूनिट करेंगी, तो इस काम को कितने दिन में समाप्त कर दिया जाएगा, जब पर डे 8 काम हो रहा है, तो पर डे जब 8 काम हो रहा है तो इस काम कितने दिन समाप्त कर देंगे। तो इसको सिंपली अब करना है सॉल्व, 4 3 12, 4 2 8, 2 7 14, 7 3 21, तो 21 डेज के अंदर ये मेरा काम क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। इस सवाल के अंदर करते हमने सिंपली किया क्या कि जब दोनों साथ काम कर रहे हैं एक अलग काम कर रहा है,
इसके बाद हमने क्या किया, सिंपली हमने वुमेन एंड मेल का जो है रेशो वही एफिशिएंसी जो हम पहले निकाल रहे थे वो हमने निकाल लिया। उसके बाद ये सारा सवाल जो है वो सेम पहले वाले सवालों की तरह हो गया है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, 26 आदमी और 48 लड़के इसी काम को 2 दिन में समाप्त करते हैं, तो 15 आदमी और 20 लड़के इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले सवाल में क्या कहा गया है कि 6 आदमी और 8 लड़के हैं, ठीक है, 6 आदमी है और क्या है 8 लड़के हैं, ये साथ साथ काम करते हैं, कितने दिन में करते हैं काम खत्म, 10 दिन के अंदर, ठीक है, ये हमको पिछले सवाल में कहा गया है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 26 आदमी और 48 लड़के हैं जो भी इसी काम को करते हैं, ठीक है ना, तो 26 आदमी और 48 लड़के कितने दिन में समाप्त करते हैं इस काम को, 2 दिन के अंदर समाप्त कर देते हैं, ठीक है, ये हम सभी तक सवाल कहा है। अब बाकी हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जो मैन और चाइल्ड है इनके एफिशिएंसी का रेशो निकालना है, उसके बाद सिंपली टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास और हमको सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब सबसे पहले रेशो हम निकालते हैं यहाँ, तो इसको फर्दर सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करते हैं एक बार, ऐसे 2 से गया हमारा ये 5 टाइम, ठीक है, कितनी बार गया 5 टाइम गया, तो अब यहाँ पे इनको सिंपली गुणा करते हैं, 5 × 6 = 30, तो 30 मैन प्लस 5 × 8 = 40, 40 चिल्ड्रन इक्वल टू 26 एम प्लस 48 चिल्ड्रन, ये हमने आंसर सॉल्व कर लिया है यहाँ तक। इसके बाद से मेन मैन की देखिए आप 26 और 30, तो आप माइनस में तो वैल्यू आएगी नहीं यहाँ, तो आपको सिंपली क्या देखना, 30 और मैन, 30 मैन और 26 मैन के अंदर कितना डिफरेंस है 4 मैन का, 4 मैन इक्वल टू 40 चिल्ड्रन, 48 चिल्ड्रन मीन्स 8 चिल्ड्रन, जो गैप है इनके बीच में जब संख्या जा जाएगी माइनस होगी, 48 में 40 जाएंगे तो 8 बचेंगे और 30 और 26 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे, तो आपको सिंपली क्या देखना है कि इनमें गैप कितने का है, और सिंपली हमने मान यहां रख दिया। इसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, 4 × 4 = 8, तो 1 मैन इक्वल टू 2 चिल्ड्रन की रेशियो हमारे पास निकल के आती है। इसके बाद हम इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं मैन एंड चिल्ड्रन की, जो हमारे पास आती है 2:1, मैन एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और चिल्ड्रन एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। अब किसी में भी आप वैल्यू रख लीजिए, आपका जो सवाल है उसको आंसर सेम ही आने वाला है। मान लीजिए आप इसमें रख के देखते हैं तो 6 × 2 यहाँ जब रखेंगे एम की वैल्यू 2, तो 6 × 2 = 12 प्लस 8, सी की वैल्यू 1 है, 12 प्लस 8 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 200, तो 200 क्या है यूनिट मेरे पास टोटल वर्क है। आप उसमें रखना चाहे तो उसमें रख के देख लीजिए, 26 × 2 = 52 प्लस 48 × 48 ये होगा मेरे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 200, तब भी मेरा टोटल वर्क क्या निकल के आता है, सेम ही निकल के आता है। जैसे ही अगर आप मान लीजिए आपका टोटल वर्क सब सेम निकल के आ जाता है, तो मतलब आपने जहां तक सॉल्व किया है वो बिल्कुल परफेक्टली सही किया है। इसके बाद जब हमने एफिशिएंसी निकाल ली है, उसके बाद हमसे सवाल क्या कहता है कि 15 आदमी और 20 लड़के इस कार्य को समाप्त करेंगे, तो एक आदमी 2 यूनिट करता है, 15 आदमी कितनी करेंगे 30 यूनिट कर देंगे पर डे, और 20 बच्चे 20 लड़के कितने दिन करेंगे दिन में यूनिट 20 यूनिट करेंगे, दोनों मिल जाएंगे तो कितने यूनिट करेंगे पर डे 50 यूनिट, काम है मेरे पास 200 यूनिट का करना पर डे करता हूं मैं 50 यूनिट, तो मैं कितने दिन में काम समाप्त करूंगा 4 डेज के अंदर मेरा काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। तो 4 आदमी और 6 औरतें हैं, ठीक है, क्या सवाल में कहा गया है 4 आदमी हैं और 6 औरतें हैं, वो कितने दिन में इस काम को समाप्त कर देते हैं मिलकर 8 दिन में, कितने दिन में समाप्त कर देते हैं 8 दिन में, उसी कार्य को मीन सेम कार्य को 3 आदमी और 7 औरतें, 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर कितने दिन में समाप्त करती हैं 10 दिन के अंदर समाप्त कर देती हैं, ठीक है। अब आगे का सवाल हमको क्या करना है, सेम हमारे पास वही रेशियो हमारे तैयार हो गया है, यहाँ पे एक बार इसको काट लेते हैं, 2 × 8 एंड 2 × 5 = 10, ठीक है, इसको सिंपलीफाई करते हैं 16m प्लस 24w दैट इज 15m प्लस 35w। इसके बाद रेशियो निकालते हैं 16m एंड 15m में डिफरेंस कितने का है 1m का, 24W और 35W में कितने का डिफरेंस है 11W का, मींस 11 का, तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ से कि एक आदमी बराबर है 11 महिलाओं के, तो यहाँ से रेशो निकाल लेते हैं मैन एंड वुमेन का, तो रेशो रेशो आता है मेरे पास 11:1,
मैन जो है एक दिन में यूनिट काम करता है 11 और वुमेन जो है एक दिन में यूनिट काम करता है 1। किसी में भी मान रख लीजिए आपका मान आ जाएगा। मैं इधर रख के देखता हूँ एक बार मान को, या इधर रख के देखता हूँ, दोनों में देखते हैं कि मान हमारा सही मान रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेन है हमारा 11, तो मैन 11 है तो ये हो गया 44, ये 1 है तो ये हो गया 6, तो ये हो गया 50, 50 गुना 8, 50 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 400। ठीक है, यहाँ रख के देखिए एक बार, तो 11 को करता हूँ 33 प्लस ये हो गया 7, ये हो गया मेरा 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज क्या आया, फिर भी मेरे पास 400 ही निकल के आने वाला है। ठीक है, तो टोटल अपन निकाल लिया 400 का। अब सवाल कहता है कि 20 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन पूरा करेंगी, सिर्फ 20 औरतें। अब एक महिला जो है एक दिन में एक काम करती है, तो 20 महिलाएं कितना यूनिट करेंगी पर डे, 20 वर्क करेंगी, यही तो करेंगी। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, टोटल वर्क है 400 कर रहा हूं मैं पर डे 20, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, कितने दिन में खत्म कर दूंगा इसको, 20 डेज के अंदर खत्म कर दूंगा सिंपली, तो मेरा आंसर क्या जाएगा, 20 डेज आ जाएगा। भाई देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में और 18 बच्चे 10 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं 20 बच्चे मिलकर 2 दिन में कार्य करते हैं, 2 दिन कार्य करते हैं, यदि शेष जो कार्य बचा है केवल एक दिन में ही खत्म करना है पुरुषों के द्वारा, तो बताइए कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ने वाली है उस काम को खत्म करने के लिए सिर्फ एक दिन के अंदर। ठीक है, तो सवाल ज्यादा हार्ड नहीं है, हमको चलना उसी मेथड पे है कि हमको वही रेशो निकालना है, टोटल वर्क निकालना है, उसी से हमारा काम ही हो जाएगा। तो जैसे जैसे सवाल ने कहा है वैसे वैसे हम इसमें एक बार लिख लेते हैं कि 6 पुरुष जो है 12 दिन में काम खत्म करते हैं, तो 6 मैन जो है वो कितने दिन में खत्म करते हैं, 12 दिन में, इसको इक्वल टू, क्योंकि यही काम खत्म हो रहा है। ठीक है ना, 8 महिलाएं 18 दिन में, 8 वुमेन जो है वो 18 दिन में, और अब इसने क्या कहा है कि बच्चे, तो 18 बच्चे 10 दिन में, 18 बच्चे जो है वो 10 दिन में। अब यहाँ इसने तीनों संख्याएं हमको दे दी है कि भाई तीनों ले लो और इनसे हम सॉल्व सवाल कर दो। फर्दरली हम इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 6 से एक बार काट देते हैं, 6 वन 6, 6 3 जा 18 एंड 6 3 जा 18, और सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, हो रहा है ये, तो 3 3 वन 3, 3 4 जा 12, और सिंप्लीफाई होता है, होता है अभी भी ये, तो 2 दुनी 4, 2 चौके 8 एंड 2 पंजे 10। ठीक है, अभी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, मींस 2m इक्वल टू 4w इक्वल टू 3 चिल्ड्रन, मतलब दो जो पुरुष हैं वो 4 महिलाओं के और 3 बच्चों के क्या है, बराबर है, मतलब ये आपस में क्या है, बराबर है। अभी तक क्या था, हमारे पास दो संख्याएं आ रही थी, टू मैन या वुमेन आ रहे थे, मैन या चिल्ड्रन आ रहे थे या वुमेन या चिल्ड्रन आ रहे थे, तो हम क्या सिंप्लीफाई इनको क्रॉस वाइज करते थे और हमारे पास एफिशिएंसी निकल आती थी। पर यहाँ पर ऐसे, क्योंकि 3 संख्या है इधर, इसलिए एफिशिएंसी हम ऐसे नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनके सिंपली हमें क्या लेना होगा, यहाँ पर हमको करना होगा इनका एलसीएम, हम इनको एलसीएम लेते हैं, 2 4 और 5 का जो एलसीएम है वो आया हमारे पास 20, ये हमने लिया है एलसीएम। ठीक है ना, ये लिया हमने एलसीएम, इसके बाद हम एफिशिएंसी हम निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं तो ये आती है 10m, ये आता है 5w एंड ये आता है हमारे पास 4c, मींस 10, एक पुरुष है जो एक दिन में 10 यूनिट करता है, एक महिला जो है एक दिन में 5 यूनिट करती है, और एक जो बच्चा है लड़का है वो एक दिन में 4 यूनिट करता है। किसी में भी मान रख लीजिए आपका टोटल वर्क सेम ही आएगा, जैसे इसमें रखते हैं हम मेन का, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 720, वुमेन का रख के देख लीजिए 8 में 40, 40 में 18 720, यहाँ रख के देख लीजिए 18 चौको 72, 72 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज क्या है 720, तो आपका काम क्या है सेम निकल के आया। अब सवाल ने क्या कहा आगे, कि 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे सिर्फ 2 दिन तक ही कार्य करते हैं, टोटल काम मेरे पास कितना है 720 यूनिट मुझे करना है। ठीक है, अब सवाल कह रहा है 4 पुरुष, तो आप देखिए एक पुरुष जो है एक दिन में कितना काम करता है 10 यूनिट काम करता है, तो 4 पुरुष कितने करेंगे एक दिन में 40, एक दिन का काम है ये। ठीक है ना, ये सिर्फ एक दिन का काम है, लिख देता हूं मैं वन डे वर्क है। ठीक है ना, वन डे। ठीक है, यहां से आते हैं कि महिलाएं कितनी कह रहा है कि 12 महिलाएं, एक महिला जब 5 करती है तो 12 महिलाएं कितने करेंगी 60, और जब आप कह रहे हैं कि कह रहा है 20 बच्चे, जब एक बच्चा जो है 4 करता है तो 20 बच्चे कितने कर रहे होंगे 80। ठीक है, ये पर डे का वर्क है इनका कि पर डे कर रहे हैं, पर सवाल ने कहा क्या है कि 2 डेज का काम करते हैं, 2 दिन लगातार काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये 60 और 100 180, पर डे काम कर रहे हैं ये 180, 2 दिन तक काम करते हैं तो कर दिए उन्होंने काम 360,
कितना यूनिट काम खत्म हो गया, 360 यूनिट खत्म हो गया। मीन 720 मेरे पास टोटल काम था, कर दिया मैंने 360, बचा है मेरे पास कितना, 360 काम ही यूनिट जो है शेष बचा है। अब ये सवाल में कह रहा है कि जो अगर जो शेष बचा काम है, मीन 360 यूनिट जो मेरा काम है उसे मुझे एक दिन में ही समाप्त करना है। अब करना मुझे एक दिन में ही है, अब कौन के थ्रू करवाना है हमको, पुरुष के थ्रू। पुरुष एक दिन में कितना काम करता है, पर डे 10 यूनिट काम करता है। जो मैन है वो एक दिन कितना यूनिट काम करता है, 10। 360 यूनिट एक ही दिन में खत्म करवाना है, पर डे करता हूं मैं 10। एक व्यक्ति करता है 10 पर डे, तो 10 से जब मैं काटूंगा तो कितने बचेंगे, 36। तो 36 मैन की जरूरत पड़ेगी मुझे इस काम को एक ही दिन में समाप्त करने के लिए। तो मेरा आंसर क्या हुआ, 36 मैन। तो फ्रेंड्स, आज हमने टाइम एंड वर्क के मैन वुमेन चाइल्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सोल्व किया। नेक्स्ट चैप्टर में जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा, उसमें हम पाइप एंड सिस्टम से संबंधित कुछ सवालों को सोल्व करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए A24 नॉलेज। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसको बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।